नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट की ओर से जनपद नैनीताल को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान को सफल एवं साकार बनाए जाने के क्रम में समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना चौकी क्षेत्रों में प्रभावी चेकिंग कर नशे की तस्करी एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक यातायात अपराध नैनीताल और पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी और प्रभारी SOG नैनीताल की संयुक्त टीम ने प्रभावी चेकिंग के दौरान मुक्त विश्वविद्यालय के पास TP नगर से आरोपी राजू मौर्य और रोहताज कश्यप को 149 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पूछताछ में आरोपियों की ओर से बताया गया कि वे लोग मिलक रामपुर के रहने वाले हैं और राजू वर्तमान में लालडाट मुखानी में रहता है। उसके माँ बाप बटाईगिरी का काम करते हैं और राजू पोताई का काम करता है। साथ ही रामपुर मिलक निवासी रोहताज उसका दोस्त है। ये दोनों रामपुर मिलक के एक मुस्लिम आदमी से कम दामों में स्मैक खरीद कर लाते हैं और हल्द्वानी के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को एवं पहाड़ी इलाकों में ऊंचे दामों में बेचकर पैसे कमाते हैं। आरोपी आपस में दोस्त हैं और राजू हल्द्वानी में काफी समय से रंगाई पुताई का कार्य करता है, जिस कारण उसे हल्द्वानी में स्मैक की अच्छी खपत होने की बात पता थी। उसने और रोहताज ने मिलक रामपुर से ताहिर नाम के व्यक्ति से स्मैक खरीदवा कर हल्द्वानी में सप्लाई करने का धंधा शुरू कर दिया। ये दोनों रामपुर से स्मैक को हल्द्वानी बारी बारी लाकर पुड़िया के रूप में जगह जगह ऊंचे दामों में बेचते थे। अभियुक्त उपरोक्त मुस्लिम आदमी को तस्दीक एवं गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस टीम गठित की गई, जिनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अभियुक्तों को पुलिस टीम की ओर से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थाना हल्द्वानी में संबंधित धाराओं के तहत NDPS एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया है। हल्द्वानी से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।